नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लगभग आधी सीटों पर चुनाव खत्म हो गया है और राज्य में चुनावी अभियान समाप्त होने में महज एक पखवाड़ा बचा है। ऐसे में चुनावी जंग को करने के लिए अगर ये मालूम चले कि चुनावी बॉक्स पार हो चुके हैं तो कैसा लगेगा। जी हाँ, आपको बता दें, ये घटना कानपुर देहात तहसील फोगनीपुर क्षेत्र मलासा ब्लॉक के अंतर्गत सराया खेड़ा गांव की है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तीसरे चरण के लिए सोमवार को जिले में मतदान हुए। उम्मीदवारों के भाग्य मतपेटियों में कैद हो गया। वहीं जिले के ही मतदान के अंतिम दौर में दबंगों ने पुलिस प्रशासन से हाथापाई कर पेटियां लूट ली। इस दौरान पुलिस व अराजक तत्वों के बीच टकराव भी हुआ, पर पुलिस मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। सूचना पर गांव में फोर्स भी पहुंची, ग्रामीण हंगामा काट रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव समापन के बाद चुनावी बॉक्स अराजक तत्वों द्वारा पार कर दिए गए। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने पोलिंग बूथ पर जमकर नारेबाजी की और जमकर ईंटें पत्थर चलाए। चुनावी बॉक्स पार होने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। इस दौरान पुलिस व अराजक तत्वों के बीच टकराव भी हुआ, पर पुलिस मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। सूचना पर गांव में फोर्स पहुंची, ग्रामीण हंगामा काट रहे हैं। मतपेटियां लूट की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी के साथ घटनास्थल पर एसडीएम भोगनीपुर दीपाली भार्गव के साथ भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। वोटिंग के दौरान पुलिस तैनात होने के बावजूद भी अराजक तत्वों ने घटना को अंजाम दे डाला। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। ग्रामीणों का कहर इस कदर पुलिस पर जमकर फूटा कि पुलिस कमरे में बंद हो गई। गांव के ग्रामीणों ने जमकर मचाया तांडव, जमकर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी भी। आपको बता दें कि निर्वाचन अधिकारी ने जहां भी मतदान हो रहे हैं वहां सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। जब इस संबंध में एसडीएम भोगनीपुर दीपाली भार्गव से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कानपुर देहात मलासा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत सनाया खेड़ा गांव में चुनावी बॉक्स चोरी होने की सूचना गलत है। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अफवाह फैलाई गई थी, जिनको चिन्हित करके दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संवाददाता जंग बहादुर की खास रिपोर्ट।